बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। तुम्हारा घर भी शहर के हिसार में है, लग या कहा क्यों पता किया जाए। निदा फाजली की कविताओं की इन पंक्तियों का शहर के प्रसिद्ध चित्रकार जैतून नूर ने एक सादे कार्यक्रम में अनावरण किया। जैतून नूर शहर की वो पहली शख्सियत मानी जाती हैं जिन्होंने फाइन आर्ट्स में डिग्री हासिल की है। भगत सिंह यादगार मंच की वैकल्पिक सामाजिक सांस्कृतिक मुहिम को आगे बढ़ाने में शहर के तमाम अजीम शख्सियतों में से जैतून नूर का नाम भी जुड़ गया है। भगत सिंह यादगार मंच सामाजिक सरोकार से लोगों को जोड़ने के साथ ही सामाजिक ताने बाने को बेहतर बनाने, उन्हें किताबों से जोड़ने का सार्थक प्रयास कर रहा है। अपनी इस मुहिम के तहत वह आवाज थीम पर 20 अंकों का अनावरण कर चुका है। उसकी ये पहल काफी हद तक कामयाबी की ओर अग्रसर हो रही है। अंक का अनावरण अपने प्रतिष्ठानों पर कराने के लिए लोग भी आगे आ रहे हैं। आज के अंक का अनावरण भारत डिस्ट्रीब्यूटर पर किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार नूरुल हसन नूर ने पुरातन सभ्यता में लिपियों की नई जानकारियों से श्रोताओं को रूबरू कराया। यही कोशिश है कि सही विचारों को एक नीति नैतिकता के विचारों के इत्र को समाज मित्रों आज का ये कविता थी ये पोस्ट करें डीसी पायदान पर। पूर्व पाषाण युग में पत्थर का उपयोग नहीं हुआ था, उत्तर पाषाण युग में पत्थर का उपयोग हुआ और शिलालेख बनना आरंभ हुए तब। आज आवाज कविता पुस्तक के 20वें अंक का विमोचन यहाँ किया गया है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेहतर विचार ये कविता पुस्तक के माध्यम से शहर के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और ये प्रयास भी किया जा रहा है कि अच्छी कविता हर 15 दिन में लोगों तक पहुँचे। ये 20 अंक आज विमोचित हो चुके हैं। आज हमारे शहर के प्रसिद्ध चित्रकार जिन्होंने सबसे पहले गुना की वो महिला हैं जिन्होंने फाइन आर्ट्स की डिग्री ली है और पूरा शहर उनको जानता है, तो आज उन्होंने इसका अनावरण किया और कोशिश भी यही है कि अच्छा विचार लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम चाहते हैं जैसे भगत सिंह यादगार मंच भी बार बार ये प्रयास कर रहा है कि बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर जाए, तो यही कोशिश है कि लोग किताबों की तरफ लौटें, किताबों को पढ़ें, उसके जीवन में अनुसरण भी करें ताकि समाज को हम बेहतर बना सकें।